ओम साई राम, हर हर महादेव। आज का रात्रि संदेश। ईश्वर ने हमें मनुष्य जन्म दिया है, ये बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों को भोगने के बाद हमें मिलता है। मनुष्य जन्म ही एक ऐसा जन्म है जिसमें हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं, मोक्ष पा सकते हैं। सतयुग में तो देवतागण, ऋषि मुनिगण हजारों वर्षों तक तप किया करते थे, कठोर तप करते थे, अपने शरीर को कष्ट देते थे, तब कहीं उन्हें मुक्ति प्राप्त होती थी, मोक्ष मिलता था। लेकिन इस कलयुग में तो ईश्वर के नाम जाप से ही हम मुक्ति पा सकते हैं, मोक्ष पा सकते हैं। उस ईश्वर ने जितनी हमें श्वासें दी हैं, हर श्वास के साथ उस ईश्वर का ध्यान करें, उसे याद करें, तभी हम मुक्ति को पा सकते हैं, मोक्ष पा सकते हैं। वृद्धावस्था का कभी इंतज़ार ना करें कि हम वृद्धावस्था में ही ईश्वर का नाम जाप करेंगे, क्योंकि वृद्धावस्था में तो हमारा शरीर बेबस और लाचार हो जाता है, अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाता है और हमारी सहन शक्ति खत्म हो जाती है, हमारा शरीर शक्तिहीन हो जाता है, तब हम ईश्वर का नाम जाप कभी नहीं कर सकते। इसलिए उस ईश्वर का नाम जाप करें, आज से, अभी से, हर श्वास में उस ईश्वर को याद करें, क्योंकि ये श्वास उस ईश्वर के अधीन है, तो आपको मुक्ति और मोक्ष ज़रूर मिल जाएगा और आप इस जन्म मृत्यु के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साई राम, हर हर महादेव। शुभ रात्रि मेरे बच्चों।